नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ 2020 के टेस्ट नंबर 14 की। अब तक हमने यहाँ पे 13 टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है, जहां पे हर टेस्ट में आपके लिए 20 क्वेश्चन जो थे वो प्रेजेंट किए गए थे बाइलिंगुअल, और उनके एक्सप्लेनेशन आपको साथ में दिया गया है। अब आप हमें ये बताइएगा कि आपका जो स्कोर है वो क्या रह रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। तो हमारा जो ईपीएफओ 2020 का कोर्स है वो चल रहा है, जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल के अलावा टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स होंगे उनको सोल्व किया जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट ओवर हियर। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा जो भी कंटेंट फ्री प्रोवाइड किया जाता है उसके नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। अब बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, जो यहाँ पे आता है अबाउट दी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है उससे संबंधित है। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से कथन जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित है और सही है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है अबाउट दी कि ये कौन सी मिनिस्ट्री से आता है, या फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। सो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके अलावा इसका मेन मोटिव क्या है, तो जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन या फिर जो ग्रामीण आजीविका मिशन है उसका मेन मकसद ये है कि जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, जहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं, उनको स्वरोजगार और उनको संगठित करके उनको रोजगार की तरफ बढ़ावा दिया जा सके, इस प्रकार का काम करने का मोटिवेशन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का है। तो ये बात करी हमने अबाउट द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू के बारे में। तो पहले हम ये जानते हैं कि ईओक्यू जो होता है वो एग्जैक्टली है क्या। तो इट इज द आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी अ कंपनी शुड परचेस टू मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट। तो देखिए इन्वेंट्री क्या होती है, जहां पे आप अपने जो आपने बल्क में ऑर्डर दिया है या फिर जो आपने ऑर्डर दिया है उसको स्टोर करने की जो जगह होती है उसको हम कहते हैं इन्वेंटरी। तो एक कंपनी के लिए कितना वो माल जो है वो परचेस करे, कितनी क्वांटिटी में वो ऑर्डर करे, ताकि उनकी जो इन्वेंटरी कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो, इसी यही जो चीज है ये रेफर करती है ईओक्यू को। इसके अलावा ईओक्यू जो फॉर्मूला है ये उन स्थितियों में सर्वोत्तम रूप से लागू होता है जहां समय के साथ साथ मांग, ऑर्डर और होल्डिंग लागत जो है वो आप ये कह सकते हैं कॉन्स्टेंट रहती है। तो जहां पे ये चीजें कॉन्स्टेंट रहेंगी वहां पे हम ईओक्यू जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इट मींस ईओक्यू काउंट करके जो हमारा बेनिफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देन द थर्ड स्टेटमेंट इज द गोल ऑफ द ईओक्यू फॉर्मूला इज टू आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यूनिट्स टू ऑर्डर। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि ईओक्यू फॉर्मूला के थ्रू हम वो नंबर निकालते हैं जो हमें ऑप्टिमल पड़ता है ऑर्डर करने के अंदर। इट मींस हम किसी एक प्रोडक्ट को कितना ऑर्डर करें ताकि हमारा जो बेनिफिट है या हमारी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो कम हो और बेनिफिट ज्यादा हो। तो उस ऑप्टिमल नंबर को निकालने के लिए, उस इष्टतम संख्या को निकालने के लिए हम ईओक्यू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है एंड 3 जो है वो करेक्ट है। तो इसका सही उत्तर हुआ ए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आएगा अबाउट दी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, उनमें सही कथन हमें चुनना है।
पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इट हैज रिलीज्ड द फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, नेमली मनी लॉन्ड्रिंग एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। देखिए, जो FATF जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन टास्क है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है उसको रोके, और इसके अलावा वो कंट्रीज जो ऐसी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का एक्शन जो है वो ले। तो ये काम है FATF का। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि इन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट जारी करी है जिसमें हमें पता चलता है कि जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है वो कहां से इलीगली हो रहा है और उसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो ये काम क्या FATF ने किया है, तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे है वो करेक्ट है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो कहता है, टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ये हमने बात करी कि इसका मकसद क्या है FATF का, वो ही यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो भी करेक्ट है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो बोल रहा है कि इट हैज रिलीज्ड वर्ल्ड क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी रिपोर्ट। देखिए, FATF जो है उसका क्लाइमेट से कोई संबंध नहीं है। अब मुझे आप ये बताइए कि क्लाइमेट से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो कौन सी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि आपकी जो तैयारी है, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसको सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो गलत है, तो 1 और 2 जो है वो सही उत्तर हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है अबाउट द इंटरनेशनल योगा डे, या फिर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, तो इंग्लिश में चाहे उसको योगा कहिए योग कहिए, तो उससे संबंधित जो है थीम क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो उसकी थीम है योगा फॉर दी हेल्थ एंड योगा एट होम। तो 2020 के अंदर इंटरनेशनल योगा डे जो है उसकी थीम रखी गई स्वास्थ्य के लिए योग और घर पर योग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट दी संसद आदर्श ग्राम योजना जो है उससे संबंधित कौन से कथन जो है वो हमें यहाँ पे सही मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें सही कथनों को चुनना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है दैट ये एक ग्राम विकास परियोजना है, कि गांवों को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है। क्या ये बात सही है? तो जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है ये उसी से संबंधित है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है कि इसे जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लॉन्च किया गया था, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। देन थर्ड स्टेटमेंट इज टू सब्सटेंशियली इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू इंप्रूव्ड बेसिक इम्यूनिटीज, हायर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। इट मीन्स जो हमारे गाँव में लोग रहते हैं या फिर ऐसे लोग जिनके लिए या फिर जिन तक जो जीवन की बुनियादी सुविधाएं हैं वो सही मायनों में पहुंच नहीं पाई है, उनको बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रोवाइड करवाना, उनको उच्च उत्पादकता और बेहतर आजीविका के अवसरों से परिचित करवाना, ऐसे चीजों को या ऐसी चीज को मोटिवेशन में रख के ये योजना जो है चलाई गई थी, जिसके अंदर हर एक सांसद जो है वो किसी न किसी गांव को अपने अंडर लेके, आप ये कह लीजिए आप गोद लेके उसको डेवलप करने का काम कर रहा था। तो ये थी आदर्श ग्राम योजना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा कौन सा जो है वो गांव इस योजना के तहत गोद लिया गया था वो बताइए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो है, Which of the following statements are correct about search committee of Lokpal recruitment committee? तो लोकपाल भर्ती समिति या recruitment committee जो है उसकी उसके बारे में कौन कौन से statements जो हैं वो सही है। तो देखिए, पहले हम ये जानते हैं कि इसका ये जो समिति है इसका काम क्या है।
तो ये क्या करती है, ये शॉर्टलिस्ट करती है कौन से कैंडिडेट्स को जो लोकपाल चेयरमैन या मेंबर बनने लायक होते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करती है ये कमेटी। इसके अलावा ये जो कमेटी है इसके अंदर आपको 50% ऐसे लोग मिलेंगे जो या तो SC या ST या OBC या माइनॉरिटीज या वुमन कैटेगरी से आते होंगे। तो ये दो स्टेटमेंट जो है इसके बारे में यहाँ पे आपको सही मिलते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 ये दोनों के दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर हमें मिला बी। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है दैट व्हाट इज अ सिटीजन चार्टर, नागरिक चार्टर जो है वो क्या होता है। तो देखिए नागरिक चार्टर के अंदर ये तो मेनली बनाया क्यों गया है, सबसे बड़ा रीजन इसका है कि ये सिटीजन फ्रेंडली जो है वो बनाया गया है। और किसके लिए बनाया गया है, ये बनाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ताकि वो अकाउंटेबल हो सके सिटीजन्स के प्रति, उनके लाइफ के लिए या फिर जो उनको सुविधाएं प्रोवाइड करवानी है उनके लिए अपनी जिम्मेदारी लेके वो उस चीज को निभाएं। इस प्रकार का चार्टर जो है वो लाया गया है फॉर दी एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका पहला स्टेटमेंट जो है कि प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए, किसके प्रति, नागरिकों के प्रति, इसलिए ये नागरिक चार्टर जो है वो लाया गया। इसके अलावा ये मेनली फोकस किस चीज पे करता है, जो सार्वजनिक सेवाएं हैं जो नागरिकों को मिलती है उनको किस प्रकार से डिलीवर किया जा रहा है, और उन चीजों को मॉनिटर करके जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उनके साथ हम सही तरीके से कोऑर्डिनेट कर सके, इस प्रकार के मोटिवेशन के साथ ये चार्टर जो है ये लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 जो है करेक्ट है। इसके अलावा जो फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इट क्रिएट्स अ मैकेनिज्म टू एंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सिटीजन्स। तो हमारे जो नागरिक हैं उनको जो सेवाएं मिलनी है वो सेवाएं सही समय पे मिल सके, इस प्रकार के मोटिवेशन के साथ इसको स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1, 3 और 4 जो है वो सही है। तो इसका सही उत्तर हुआ सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। तो वायरसेस से आपको कौन सी बीमारियां जो है वो निम्नलिखित में से हो सकती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है टाइफाइड। तो देखिए टाइफाइड जो है वो किसी वायरस से नहीं होती है, वो आपको होती है बैक्टीरिया से। वो आप याद रखिएगा कि जो आपको टाइफाइड होगा वो बैक्टीरिया की रीजन से होता है। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो मलेरिया है वो किस वजह से होता है, क्योंकि जो चिकन पॉक्स है और जो डेंगू है ये दोनों के दोनों ही वायरस जनरेटेड आपको डिजीज मिलेंगी, लेकिन टाइफाइड और मलेरिया जो है ये वायरसेस के थ्रू नहीं होती है। टाइफाइड का मैंने आपको बताया कि ये एक बैक्टीरिया जनरेटेड डिजीज है, बट मलेरिया का अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर डी सही है, जहां पे बताया गया है कि 2 और 3 जो है वो इसका सही उत्तर है। इसके अलावा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे पूछा गया है दैट इज व्हाट इज अ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है वो क्या है, अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम साइंस। तो क्वेश्चन में बोला गया है इट बिलोंग्स टू द प्रोकैरियोट फैमिली, ये प्रोकैरियोट परिवार से संबंधित है, ये स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा दी ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू दिस किंगडम डोंट कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस। तो इस परिवार से या फिर इस किंगडम से जो भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिलेटेड हैं उन लोग या फिर उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको एक ट्रू न्यूक्लियस, एक नाभिक जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 और 4 जो है वो करेक्ट है। तो इसका सही उत्तर हुआ यहाँ पे सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट दी फकीर अपराइजिंग्स या फकीर विद्रोह के बारे में। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि फकीर विद्रोह के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे है कि जो सबसे पहले सही स्टेटमेंट है उसकी बात करते हैं, तो दे वर लेड बाय मजनू शाह। तो ये जो विद्रोह था फकीर विद्रोह, इसको लीड किसने किया था, इसको लीड किया था मजनू शाह ने।
इसके अलावा जो पहला स्टेटमेंट है कि फकीर विद्रोह जो था ये स्टार्ट किया गया था आफ्टर द ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ बंगाल बाय फकीर्स और वेंडरिंग मुस्लिम मेंडिकेट्स। तो यहां पे जो मुस्लिम थे या फिर जो ब्रिटिश उद्घोषणा हुई थी कि जो मुस्लिम मेंडर्स हैं उनको वहां से निकाला जाए बंगाल के ब्रिटिश उद्घोषणा के बाद, ये फकीर विद्रोह जो वो शुरू हुआ था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। इसके अलावा जो स्टेटमेंट नंबर 4 है कि दे लूटेड इंग्लिश फैक्ट्रीज एक्वायरिंग कैश आर्म्स एंड एम्यूनिशन, यहाँ पे कहा गया है कि उनके नकदी, उनके हथियार और गोला बारूद जो है वो अंग्रेजी कारखानों से लूट लिए गए थे इस विद्रोह के दौरान। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 4 जो है वो सही मिलता है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा बी। इसके बाद क्वेश्चन आता है अबाउट दी सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन के बारे में। तो देखिए सूरत विभाजन जो था उसके अंदर जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे रास बिहारी बोस, सॉरी रास बिहारी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब वो सूरत के अंदर सेशन होता है तो उसमें प्रेसिडेंट तो रास बिहारी होते हैं, लेकिन वहां पे जो स्प्लिट होता है वो किस रीजन से होता है। तो 1907 में वो विभाजन जो है वो होता है, या फिर आप कह लीजिए सूरत अधिवेशन जो है 1907 में होता है, और INC जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उस अधिवेशन के अंदर नरमपंथी और जो चरमपंथी थे, या फिर आप कह लीजिए जो नरम विभाग और गरम विभाग के जो दो लोग थे उनके बीच मतभेद हो जाते हैं और फाइनली वो आधिकारिक मतभेद होकर उनका जो है वो विभाजन हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 3 है जो करेक्ट है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। तो ये इसका सही उत्तर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट द राइट टू वर्क। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एन इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क। अब देखिए इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, तो उसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका नाम आपने हमेशा पिछले कम से कम 4-5 सालों से इसका नाम आप सुन रहे होंगे। तो इसके तहत राइट टू वर्क जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, काम का अधिकार जो है उसकी गारंटी आपको प्रोवाइड करी जाती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कितने दिन का कम से कम एटलीस्ट आप जो है वो काम इसके थ्रू कर सकते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है अबाउट द कन्वेंशन ऑफ मेटरलिटी, भौतिकता के कन्वेंशन के बारे में। तो देखिए भौतिकता या फिर आप कह लीजिए मेटरलिटी जो होती है वो आप उसके कन्वेंशन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए आपके जो ट्रांजेक्शन होते हैं, आपके जो आइटम्स होते हैं, आपके द्वारा कोई भी इवेंट जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है, दैट इज सिग्निफिकेंटली अफेक्ट अ यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंट, जो किसी भी एक उपयोगकर्ता की समझ को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार की चीजों को हम अलग रखते हैं, वी आर गोइंग टू सेपरेट दीज थिंग्स। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी कन्वेंशन को हम कहते हैं कन्वेंशन ऑफ मेटरलिटी या भौतिकता का सिद्धांत या कन्वेंशन, जहां पर जो एक यूजर है उसकी मेंटलिटी या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है अकाउंटिंग के या फिर आप कह लीजिए उस एक चीज के बारे में वो चेंज हो सकती है, वो इफेक्ट कर सकती है, ऐसी चीजों पे हम अलग उनको सेपरेट करते हैं, दैट इज नोन एज कन्वेंशन ऑफ मेटरलिटी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो पूछा गया है हमें अबाउट द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो वही चीज जिसका हर एक एम्प्लॉय को वेट रहता है वो है बोनस। तो देखिए तो इस एक्ट के अंदर ये डिफाइन किया गया था कि बोनस अगर दिया जा रहा है तो मिनिमम आपको कितना दिया जाएगा या फिर मैक्सिमम जो है वो आपको कितना दिया जा सकता है। तो देखिए न्यूनतम बोनस जो है वो प्रत्येक उद्योग और अधिनियम की धारा 10 के तहत जो है
को डिफाइन किया गया कितना 8.33%। दिस इज मिनिमम। इसके अलावा आपका जो मैक्सिमम जो है किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका जो मैक्सिमम बोनस होगा वो कितना हो सकता है, आपकी जो सैलरी है आपका जो वेतन है उसका 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। और इसको डिफाइन कहां किया गया है, इन दी सेक्शन ऑफ 31A। तो ये यहां पे स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी थर्ड स्टेटमेंट जो बता रहा है कि यहां पे 25 या उससे ज्यादा कर्मचारी या 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी होने चाहिए। क्या ये बात सही है, ये स्टेटमेंट यहां पे गलत है, वो भी हम जानेंगे कि कितने मेंबर्स जो हैं वो होने चाहिए इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू गेट दी बोनस। तो यहां पे ये हम जानेंगे। तो यहां पे स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। तो इसका सही उत्तर हुआ सी। उसके बाद प्रश्न का जो हमने बात करी कि कितने जो एम्प्लॉइज जो है वो होने चाहिए, तो देखिए इट इज एप्लीकेबल टू एनी एस्टेब्लिशमेंट विथ 20। किसी भी एक जो आपका संगठन है इसके अंदर 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उस पर एप्लीकेबल है। या फिर अगर आपकी फैक्ट्री है, आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, कारखाना है, तो उसके अंदर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे ये जो है नंबर्स करेक्ट है, न कि जो क्वेश्चन के ऑप्शन में दिए गए थे 20 या 25। उसके बाद क्वेश्चन आता है अबाउट दी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के बारे में। तो इस योजना के अंदर जो है कौन सी ऐसी योजनाएं जो थी जिनको विलय किया गया था। तो देखिए यहाँ पे जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो था उसको और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो था इसको, इन दोनों ही योजनाओं को आप ये कह सकते हैं इसके अंदर विलय कर दिया गया था। किसके अंदर, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंदर। तो यहाँ पे हमने अभी पहले डिस्कस भी किया था, लेकिन यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट है, सेकंड नंबर स्टेटमेंट है, इन दोनों को ही जो है वो मर्ज कर दिया गया था दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत। तो इसका सही उत्तर हुआ डी। उसके बाद प्रश्न आता है अबाउट दी सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो दिस इज एन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच आइटम्स आर एंटर्ड टेम्परेली बिफोर एलोकेशन टू द करेक्ट और फाइनल अकाउंट। तो आपके फाइनल अकाउंट के अंदर एलोकेशन करने से पहले जो आपकी आइटम्स की डिटेल्स हैं उनको टेम्परेली एलोकेट किया जाता है एक अकाउंट के अंदर, एक बुक के अंदर, जिसको हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। तो ये आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हुई अबाउट दिस अकाउंट। देन द थर्ड स्टेटमेंट इज इट इज अ कैच ऑल सेक्शन ऑफ अ जनरल लेजर यूज्ड बाय कंपनीज टू रिकॉर्ड एम्बिगियस एंट्रीज दैट रिक्वायर क्लियरिफिकेशन। तो देखिए अगर आप हर एक ट्रांजेक्शन के टेम्पररी डिटेल्स जो हैं वो स्टोर करके रखेंगे बिफोर मेकिंग द फाइनल स्टेटमेंट, तो आप क्या कर सकते हैं उसी टेम्पररी डेटा के अंदर एम्बिगियस डेटा को ढूंढ सकते हैं ताकि आपको ये सारा काम परमानेंट या फाइनल अकाउंट के अंदर नहीं करना पड़े। तो कंपनी इसलिए भी इसको यूज करती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे सही है। देन फाइनली फोर्थ स्टेटमेंट इज सस्पेंस अकाउंट्स आर रूटीनली क्लियर्ड आउट वंस द नेचर ऑफ द सस्पेंडेड अमाउंट्स आर रिजॉल्व्ड। तो ये जो अकाउंट्स है इनको रूटीनली या फिर किसी भी एक निश्चित समय के बाद क्लियर आउट कर दिया जाता है जब वो अमाउंट या वो जो आइटम की जो डिटेल्स है वो फाइनली फाइनल अकाउंट के अंदर एडमिट कर दी जाती है या सबमिट कर दी जाती है, तो उसके बाद इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2, 3 और 4 जो है वो करेक्ट है। तो इसका सही उत्तर हुआ बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज अबाउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए अगर आपकी टीम के अंदर, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी नया साझेदार या पार्टनर आपका जो है वो एड हो रहा है, उस सिचुएशन के अंदर किस प्रकार आपका जो रेशियो है वो डिफाइन किया जाएगा उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। सो इट इज द रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या होता है, ये एक ऐसा रेशियो है जो सारे पार्टनर्स के अंदर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। तो देखिए अगर फिलहाल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के
तीन जो है वो पार्टनर्स हैं, तो अगर आप तीनों ने 33.33 इस प्रकार से आपने अपना हिस्सा जो है वो डिवाइड करके रखा है, अब आपका अगर फोर्थ न्यू पार्टनर आ रहा है तो उसके साथ आप किस हिसाब से बिहेव करेंगे। अगर आप इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं तो हर एक का 25 आता है, तो उस सिचुएशन में आप फोर्थ पार्टनर के साथ न्यू शेयरिंग जो रेशियो है उस हिसाब से रखेंगे कि प्रॉफिट में भी 25% होगा और लॉसेस के अंदर भी 25% होगा। तो इस प्रकार का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अलावा यहां पे स्टेटमेंट नंबर वन करेक्ट हुआ। देन थर्ड इज देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ऑल द एसोसिएट पार्टनर्स। तो जो सारे के सारे एसोसिएट पार्टनर्स हैं वो सबके बीच के अंदर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो मिलके डिटरमाइन किया जा रहा है, क्या ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आपको जो ये स्टेटमेंट है जहां पे हम ये कह रहे हैं कि सबके साथ मिलके इसको डिटरमाइन किया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 जो है वो सही उत्तर है। उसके बाद प्रश्न आता है अबाउट द वर्ल्ड सिकल सेल डे। तो देखिए उसके बारे में हम जानते हैं कि पहले तो ये होता क्या है, देन उसके बारे में बात करेंगे कि इसको रिकॉग्नाइज कब किया गया, और फाइनली ये क्या हिसाब से किस हिसाब से ये वेल नोन है। तो देखिए इट वॉज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द सिकल सेल डिजीज एट द नेशनल लेवल। तो क्या ये नेशनल लेवल पे चलाया गया है इन द इंडिया टू इंक्रीज द अवेयरनेस। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके अलावा इस ये जो दिन है इसको कब जो है रिकॉग्नाइज किया गया था, तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया था चाइना के द्वारा, और कब, एवरी ईयर ऑन द 24th June, इसको आप याद रखिएगा। तो जो वर्ल्ड सिकल सेल डे आता है वो 24th day को मनाया जाता है, रिकॉग्नाइज किया गया था बाय द चाइना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 जो है वो सही है। देन फोर्थ वन इज सिकल सेल डिजीज इन एन इनहेरिटेड ब्लड डिजीज विच इज मोस्ट कॉमन अमंग द पीपल ऑफ अफ्रीकन अरेबियन एंड इंडियन ओरिजिन। तो जो अफ्रीकी अरब और भारतीय मूल के लोग होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिकली जो ब्लड के अंदर डिजीज चल रही होती है वो इनहेरिट होती है, तो इसी डिजीज को आइडेंटिफाई किया गया है इन एरियाज के अंदर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4 भी करेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं दैट विच इज न्यू क्वेश्चन विच इज अबाउट द इंग्लिश। क्वेश्चन है द मैनेजर इज not feeling well and we will have to put the meeting for a few days. It means यहाँ पे हमें fill in the blank करना है कि इनमें से कौन सा statement या फिर इनमें से कौन सा एक word जो है यहाँ पे आके इसको सही बनाएगा, तो वो होगा put off. तो जो manager है वो सही नहीं feel कर रहा है, it means तबीयत उनकी सही नहीं है, तो हमें जो meeting है वो कुछ दिन के लिए पुट ऑफ करनी पड़ेगी। इट मींस आप ये कह लीजिए कि हमें उसके लिए कुछ दिन उसको नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर हुआ ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन दैट इज रिलेटेड टू इंग्लिश विच इज फाइंड द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। सो यहाँ पे वर्ड आपको दिया गया है डिमोलिश। डिमोलिश मींस किसी भी चीज को तबाह कर देना या उसको पूरी तरीके से तोड़ देना या फिर खत्म कर देना, तो डिमोलिश करना हो गया। तो अब उसी चीज को वापस से बना देना, उसका अपोजिट क्या होगा, बिल्ड, दोबारा से उस चीज को बना देना, तो इसका सही उत्तर होगा बी। तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है इस एग्जाम के लिए उसको कवर करने का ट्राई किया है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके जो है वो रॉन्ग हुए हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल पे चल रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।